Exercise number 4.10, question number 7. The difference between the cubes of two consecutive even number is 296. पहले statement को समझें. दो consecutive numbers हैं, जैसे हमने ले लिया x और x plus 2. नंबर भी कैसे हैं? even नंबर हैं. जैसे एक x है, अब even नंबर होता है कि हम 2 उसमें और ऐड करते जाएं. 2 का मल्टीपल जो हो उसको even नंबर बोलते हैं. तो x, x प्लस 2 दो हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं. अब उनके क्यूब का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 296 के. तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x, x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. इनका क्यूब लें, x प्लस 2 का होल क्यूब, और डिफरेंस है तो इसलिए माइनस x का क्यूब इक्वल है 296 के. अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस b का होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो हम यूज़ करते हैं a का क्यूब प्लस मतलब x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 साथ माइनस x क्यूब इक्वल्स टू 296. तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 296 इक्वल आ गया 0 के. 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 288 इक्वल आ गया 0 के. 6 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल आएगा 0 के. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0 फैक्टर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल्स टू 0. पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन आया x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. x प्लस 8 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. आइदर x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x इक्वल्स टू माइनस 8 और x इक्वल्स टू 6. इफ़ x इक्वल्स टू माइनस 8, अगर x माइनस 8 रखें तो दूसरी वाले में पुट करके देखते हैं ना, x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6. इफ़ x इक्वल्स टू 6 दैन x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 8. हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर माइनस 8 कॉमा माइनस 6 और 6 कॉमा 8. अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.